अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राफिक कोर्स के अंदर लेक्चर नंबर 5 है और आज हम सीखेंगे इस्लामिक डीपी किस तरह बनाते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम सबसे पहले आपने इमेज एडिटर ओपन कर लेना है। होम में जाके न्यू लोगो डिज़ाइन पे क्लिक करना है। इस पर ऐड में जाएं और यहाँ पे इमेजेस में चले जाएं। नेक्स्ट आपने गैलरी से सिलेक्ट कर लेनी है। यही इमेज मैंने आपको सेंड कर दी है व्हाट्सएप वालों को, तो वो देख लीजिएगा। इसको यहाँ पे एडजस्ट कर लें आप लोग। सेंटर में, और जब एडजस्ट हो जाए तो फिर यहाँ पे इसको डन कर दें। ठीक है, डन करने के बाद यहाँ पे ऐड करें। ऐड के बाद आप शेप में भी जा सकते हैं और सिंबल में भी जा सकते हैं आप। ऐड में सिंबल में चले जाएं। यहाँ पे आप या फिर आप पहले ऐसे कर लें कि ऐड में जाकर टेक्स्ट करें। यहाँ पे अपर हेडिंग दें आप, करके यहाँ पर लें। इस सैरो से ये छोटा हो जाएगा, तो जो सिलेक्ट करेंगे फिर भी ये इतना ही रहेगा। इसके आप साइज वाले ऑप्शन में जाएं, साइज इसका थोड़ा सा बढ़ा, इसको बोल्ड कर लें आप। फॉर्मेट में जाके बोल्ड, और इसके कलर देख लें आपने अगर कोई और कलर देना है तो। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर चेंज भी कर सकते। फ़िलहाल मैं इसका रेड ही कर रही हूँ। ठीक है, डन कर दें। और जो मैंने आयात सेंड की है ना, वो आप नोट पैड पर इसको कर लें और यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें। कॉपी यहाँ पर ले आए, इसको प्रेस करके ऐड टेक्स्ट यहाँ पे वो पेस्ट कर दें। आ गया ये। इसको आप फॉन्ट में जाकर इसके फॉन्ट का साइज देख लें आपने कौन सा रखना है, किस लैंग्वेज में। अल्फाज अगर मैं यही रख रही हूँ, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा ऐसे स्टाइल में चले जाएं। स्टाइल में ये इसके जो भी आपने स्टाइल रखना है, डिफरेंट हैं, डिफरेंट कलर्स वाले हैं, तो मैं यहाँ से ये वाला सेलेक्ट कर लूँ। ठीक है, को एडजस्ट कर लें, डन कर दें। फिर दोबारा से वो आए जाके सेलेक्ट करें इसका तर्जुमा। कॉपी यहाँ पर आकर इसको डन के बाद ऐड में दोबारा टेक्स्ट में जाकर यहाँ इसको कर दें पेस्ट। ये आ गया आपका तर्जुमा। यहाँ से देखें, ये ज़रा लाइन से ज़्यादा, और आप इसको यहाँ पे एडिट में जाकर स्पेस दे दें। डन हो गया, डन कर दें। ठीक है, अब इसका हम कलर चेंज कर लेते हैं। कलर आप देख लें इसको कौन सा कलर देना है। ठीक है, ये भी हो सकता है स्टाइल में चले जाएं, उसके मिलता जुलता जैसे आपने ऊपर सेलेक्ट किया ये कर लें, या अगर आपने सिंपल रखना है तो सिंपल रख लें। डन कर दें। यहाँ पे दोबारा से ऐड करें टेक्स्ट, यहाँ पे लिखें तस्मा।
ठीक है, इस तर्जमे को आप, मैंने रेडी रखा है। फिर आप दोबारा टेक्स्ट में जाएं, ऐड में जाकर यहाँ पे आप अपना कोई से भी नाम लिख लें। जैसे आप सबने यहाँ जो लेक्चर मुझे सेंड करना है ना, उसमें आप अपना अपना नाम लिखिएगा। मैं जैसे यहाँ इकरा ही लिख रही हूँ, इकरा ग्राफिक्स। तो आप इसको यहाँ नीचे ले आके इधर भी लिख सकते हैं, या फिर आप ऐसे कीजिएगा कि यहाँ एंड पे लिख दीजिएगा, ये ज़्यादा ठीक है। इसके आप स्टाइल साइज में देख लें, साइज आपने इसका कौन सा रखना है, ठीक है। और यहाँ पर आप कलर्स में चले जाएं, कलर्स वो रखना है ना जो मतलब नज़र भी है, ठीक है। तो ये देखिए आपकी इस्लामिक डीपी रेडी हो गई है। यहाँ आप सेव में चले जाएं, एक्सपोर्ट टू गैलरी, गैलरी में सेव हो जाएगा इससे। और पीडीएफ में करना है, पीडीएफ में कर लेना है तो वो कर लें, ठीक है। हमारा प्रीमियम नहीं है जिसकी वजह से हम ये दोबारा सेव नहीं कर सकते, इसी से दोबारा नहीं। और यहाँ तो बेहतर आप एक्सपोर्ट टू गैलरी कर लें, ठीक है। 2 टाइम क्लिक करेंगे तो ये 2 टाइम सेव हो जाएगी। आज का लेक्चर इतना ही है।